आगरा के ढोकी से आ रही है बड़ी खबर। बाजरे के खेत में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। महिला के शव पर छिड़का गया था ज्वलनशील पदार्थ, एसिड की बोतल भी महिला के शव के पास से हुई बरामद। महिला के शव की नहीं हो सकी है अभी तक शिनाख्त। हत्या कर खेत में फेंके जाने की जताई जा रही है आशंका। आगरा के ढोकी क्षेत्र के भाटा के पीपरी फिटर के पास की घटना। आपने जो घटना देखी है वो क्या थी? ये घटना है, सुबह लेडी वगैरह चारा लेने आई, वो गांव गई। गांव में आकर उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग आ गए हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस आ गई है और सब लोगों ने बॉडी को देखा है, लेकिन इसे कोई शनाख्त नहीं हुई अभी तक। कोई शनाख्त नहीं? ये अज्ञात महिला का शव मिला है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, गांव ये भाटा की पीपरी थाना डॉकी क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के पास में एक महिला का, अज्ञात महिला का शव मिला, क्योंकि अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और इसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल। हम लोग शिनाख्त की कार्रवाई के लिए आसपास के जनपद में, बॉर्डर के जनपद में और अपने थाना क्षेत्रों में दिखवा रहे हैं। हमने फोटोज भी भेज दिए हैं, जल्द से जल्द हम शिनाख्त कराएंगे। साथ ही साथ मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी आई है, उसने अपनी जो कार्रवाई होती है उसको किया है। चूंकि जो मृतिका है, प्रथम दृष्टया ये देखने में लग रहा है कि शायद ये कहीं और की रहने वाली है, इसकी बॉडी को यहाँ पे लाकर डाला गया है और उसकी पहचान को मिटाने के लिए शायद घर का जो टॉयलेट क्लीनर रहता है उसको भी यूज किया गया है। तो हम लोग सारी चीजें हम लोगों ने कब्जे में ले ली है, आगे की विधि कार्रवाई करा रहे हैं।